तो आज हम करने वाले हैं टेस्टिंग 5 मिनट क्राफ्ट। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं फूड हैक्स ऑफ 5 मिनट क्राफ्ट और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये सारे हैक्स वही हैं जो हम मतलब कभी हमने ट्राई भी नहीं किए जी। ये सारे फूड हैक्स वैसे ही हैं तो हम आज ऐसी ऐसी चीजें बनाने वाले हैं जो हमने एक्चुअल में कभी ट्राई नहीं करी हैं। yes. और हमने लोगों को देखा हुआ है कि लाइक बहुत बोलते हैं कि बहुत टेस्टी बना है ये बना है, तो आज हम खुद आजमा के देखना चाहते हैं कि वाकई में ये टेस्टी बनता है। यस यस या सो लेट्स ट्राई दिस हैक। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियोस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा हैक नंबर 1 जिसमें कि मैं करने वाली हूं बनाने वाली हूं स्टफ न्यूटेला पैन केक। बहुत लंबा नाम था। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन 5 मिनट क्राफ्ट वाले क्या कर रहे हैं कि वो लोगों ने 2 पैनकेक बनाए हैं और बीच में न्यूटेला स्टफ कर दिया है, उसके बाद उसको फोल्ड कर दिया है और वो दिखा रहे हैं स्टफ न्यूटेला पैनकेक जो कि बहुत डिलीशियस लग रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू मेक इट। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है अपना पैन और ये रहा हमारा न्यूटेला और जो पैनकेक का डो है वो मैंने इस बोतल में भर लिया है और अब फटाफट से पैनकेक बनाते हैं। स्टफ्ड पैनकेक रेडी हो चुका है तो इसको अब देखते हैं टेस्ट करके ये कैसा मतलब ये लगता है। आई एम सो नर्वस क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कच्चा ना रह गया हो। आई डोंट नो दिस इज हाउ इट लुक्स। ऐसे करके जॉइंट हुआ था ऐसे एंड ये रही मैं न्यूटेला। सो लेट्स कट इट। सो गाइज हमारा न्यूटेला स्टफ पैनकेक बहुत ही टेस्टी निकला। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने केक पैनकेक बनाया है घर में और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट निकला है और आपको भी मतलब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप भी इसको ट्राई करो एंड मुझे इतना टेस्टी लग रहा है ना गाइज मेरे से रहा नहीं जा रहा खाए बिना। तो मैं इसको इन्जॉय करती हूँ, बाकी के सारे हैक्स इन्जॉय करो, मेरे लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना ठीक है। सो ये है हमारा हैक नंबर 2 जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ इजी वे टू ईट मैंगो। लाइक आपके हाथ पाथ कुछ खराब नहीं होंगे खाते रहें और बहुत ही हाइजीन तरीके से हम खाने वाले हैं हम अपने मैंगो को। जैसे 5 मिनट क्राफ्ट वाले कह रहे हैं लेकिन सी द स्क्रीन हम पहले मिडिल से इसको कट करेंगे नाइफ की हेल्प से, देन उसको अच्छे से हम उसको रोटेट करेंगे एंड वो इजीली निकल के आ जाएगा हाफ मैंगो और दूसरा हाफ भी निकल के आएगा ऑब्वियसली। फिर उसको स्पून की हेल्प से खाने वाले हैं लाइक आइसक्रीम जैसे हम खाते हैं। सो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। सो चलिए ट्राई करते हैं। उसके लिए हमें इजी से चीज़ें चाहिए हमारा ऑब्वियसली 1 मैंगो एंड नाइफ एंड स्पून। सो लेट्स डू दिस वन। हाल हुआ है मेरे मैंगो का जो इसका अंदर का पूरा पल्प होता है वो जूसी एरिया सब कुछ इसी में रह गया और जो इसका कवर है मैंगो का वो निकल के बाहर आ गया है। उस कवर में कुछ भी नहीं खाने के लिए लाइक जो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे लुफ्त उठाते हुए ऐसे खाऊंगी मैंगो। हाँ बस थोड़ा बहुत है ऐसा खा सकते हैं। इट्स नाइस बट थोड़ा ही है ज्यादा नहीं है। मतलब जितनी उम्मीद करी थी वो सब नहीं निकला ना। लाइक हमने सोचा था पूरा हाफ हम मैंगो खा पाएंगे ऐसे आराम से पूरा रह गया इसमें। तो आई थिंक ये हैक बिल्कुल फेल हो गया मेरे लिए, बहुत कुछ सोचा था हो नहीं पाया। यस सो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट हैक। सो ये है हमारा हैक नंबर 3 जिसमें कि मैं बनाने वाली हूँ ढोसा पैन केक। यस तो मैं बनाने वाली हूँ ढोसा पैन केक जिसके लिए मैंने ये बोल ले लिया है जिसमें हमारा बैटर है पैन केक का और हमें चाहिए एक पैन बड़ा सा पैन बट मैं तड़का वाला पैन यूज करने वाली हूँ बिकॉज कि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। सपोज अगर नहीं बन पाया पैनकेक हमारा डोसा पैनकेक तो मैं वेस्ट हो जाएगा मटेरियल जो कि मैं नहीं चाहती वो। जैसे हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जैसे 5 मिनट क्राफ्ट वाले पहले उन्होंने वार्म अप किया है उसको पैन को, उसके बाद उन लोगों ने ऑलिव ऑयल लगाया मतलब कोई भी ऑयल लगाया है और उसके बाद उन्होंने बैटर डाल दिया है पीछे उसका बैक साइड में पैनकेक। उसके बाद उन्होंने 1 मिनट तक के लिए उसको कुक किया है और उसके बाद हमारा बन जाता है डोसा पैनकेक। सो लेट्स ट्राई दिस हैक नाउ। आई एम रियली एक्साइटेड और थोड़ा सा फनी सा भी लग रहा है हैक, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। Thank you.
आई मीन व्हाट, ये क्या है, कहीं से भी मुझे मेरा डोसा पैनकेक नहीं लग रहा है। और ये आई थिंक अच्छा वो मैंने बड़ा वाला पैन यूज नहीं किया, फालतू में सारा बैटर वेस्ट हुआ था। मुझे लगता मैंने कोई मिस्टेक करी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको मतलब एक स्पून से हम इसके ऊपर डालते तो वो ज्यादा अच्छा होता, ना ही इसको डिप करते तो बेटर। की साइड से इसकी बहुत थिन लेयर बन गई है जो कि जल भी चुकी है ऑलमोस्ट, और जो कि मैं इसको क्रैक नहीं कर पाई अच्छे से। तो ये हमारा हैक यहीं पर होता है फेल। सब लोग इसको घर में ट्राई मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट है ये वाला हैक ट्राई करना। तो या सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक। तो ये हमारा हैक नंबर 4 जो कि है फाइनल हैक। तो ये होने वाला है बहुत ही डिफरेंट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बनाने वाली हूँ फिर से पैनकेक, स्टफ पैनकेक न्यूटेला वाला। बट पहले वाले हैक से इसलिए डिफरेंट होने वाला है कि इसमें न्यूटेला को हम फ्रीज कर रहे हैं, उसमें हमने न्यूटेला को डाल दिया था डायरेक्ट। सो यार लेट्स सी ये हैक काम करता है कि नहीं। एज यू कैन सी द स्क्रीन, हैक में हमें करना क्या है, फर्स्ट हमें पैनकेक का डो डालना है पैन पे, उसके बाद जो मैंने फ्रीज न्यूटेला रखा था अपने फ्रिज में उसको निकाल के उस पर पुट करना है, देन उसका फिर से उसको पैनकेक के डो को उसके ऊपर डाल देना है। तो या हमें कवर करना है अच्छे से, फिर देखते हैं कि वो पैनकेक अच्छे से बनता है कि नहीं, स्टफ न्यूटेला पैनकेक। सो ये हमारा तैयार हो गया है न्यूटेला स्टफ पैनकेक। सो लेट्स सी कैसा टेस्ट है इसका। सो एज यू कैन सी बहुत ही ज्यादा इवनली स्प्रेड हुआ है हमारा न्यूटेला जो हमने फ्रीज किया था, एंड आई थिंक ये मुझे केक जैसा लग रहा है जो नॉर्मली केक होते हैं। तो चलिए फटाफट से खाते हैं इसे। मतलब ये इतना टेस्टी बना ना, बहुत स्पॉन्जी सा लग रहा है मुझे, कि इसमें न्यूटेला भी है और मतलब बहुत टेस्टी है यार, जो भी है जैसा है मस्त है यार, यू शुड ट्राई दिस वन। क्योंकि ऐसे हमने फर्स्ट टाइम है ना न्यूटेला वाले सब ट्राई किए आज, रेसिपीज जितनी भी हैं पैनकेक्स और हाँ जितनी पैनकेक्स वाली रेसिपीज हैं, और काफी अच्छा बन गया फर्स्ट टाइम। आई एम सरप्राइज कि मतलब काफी अच्छी बन गई फर्स्ट टाइम में। हाँ सो आई थिंक यू गाइस शुड ट्राई दिस वन। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बनाया इसलिए शायद। सो दिस हैक रियली वर्क्स। Thanks for watching this video. We hope you guys enjoyed this video. And if you did, you know what to do, right? Hit that like button. And also let us know in comment section आपको ये हमारे hacks, food hacks कैसे लगे? And अगर आप try किए आपने वो hacks तो like कैसा उनका result रहा? वो भी हमें comment section बता। And also अगर आप चाहते हैं हम ऐसे food hacks, ऐसे कुछ try करते रहे 5 minute craft के hacks, तो comment section में वो भी बता दो। जी बिल्कुल। So we hope आप लोग घर में होंगे, safe होंगे और enjoy कर रहे होंगे। So let's end this video here. See you soon. Till then, bye bye.